ढाका में तो बहुत सिचुएशन खराब हो रहा है, लाइक अराउंड ऑलमोस्ट 80 प्लस स्टूडेंट अभी किल्ड हुए हैं। स्टूडेंट लगभग वहां पे फॉरेन लगभग 40 स्टूडेंट थे और हम लोग एम्बेसी में कॉल किए कि हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। या बांग्लादेश में कोई गंडगोल हुआ है, इसीलिए अभी यात्री कम आ रहा है। ढाका में तो बहुत सिचुएशन खराब हो रहा है, लाइक अराउंड ऑलमोस्ट 80 प्लस स्टूडेंट अभी किल्ड हुए हैं जो हम लोगों को सुनने में आया है, और ओवर मोर देन लाइक 500 टू 1000 पीपल आर गॉट इंजर्ड एंड ओवर पुलिस आर ऑल्सो गॉट या कि किल्ड इन दिस प्रोटेस्ट। वही ढाका में तो बहुत सिचुएशन खराब है बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन एंड बिकॉज ऑफ द नॉर्मलिटी यू हैव कम डाउन टू इंडिया। या यस, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन वी आर वेरी टेरिफाइड ओवर देयर, लाइक दे सेड व्हेन द कर्फ्यू विल बी स्टार्टेड देयर विल बी नो फूड फॉर अस एंड द कॉलेज विल ऑल्सो बी या कि एक्सटेंडेड व्हेन इट विल बी ओपन वी डोंट नो, सो वी डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी एंड टेक अस फ्रॉम द कॉलेज। वहाँ पे बहुत सारे ये वायलेंस वगैरह, खाने पीने में दिक्कत होती है और बाहर नहीं जा सकते हो आप लोग, और आज से वहाँ पे कर्फ्यू लग गया, वहाँ कोई कहीं भी नहीं जा सकते हो, और हम लोग स्टूडेंट लगभग वहाँ पे फॉरेन लगभग 40 स्टूडेंट थे और हम लोग एम्बेसी में कॉल किए कि हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। स्टिल वहाँ पे हम लोग टायर वगैरह जला दिए थे सुबह में आज, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा डर गए थे हम लोग। तो एम्बेसी में बात किए तो एम्बेसी वगैरह ये यहाँ पे अरेंज किए हम लोग के लिए, कॉलेज एसपी ऑफिस में बात किए और एसपी ऑफिस वाले हमारे कॉलेज में बात किए और कॉलेज वाले हम लोग को एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ पे गार्ड के साथ प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे लाए थे। स्टूडेंट का हम लोग बहुत यहाँ पे खुश नसीब है कि हम लोग को ये जो एसपी ऑफिस और एम्बेसी वगैरह हम लोग को इतना अच्छा ये सुविधा दे रहा है, इसलिए हम लोग खुशी हो रही है कि हम लोग प्रोटेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। Many foreign and Indian students are crossing over from Bangladesh to India through various ICPs and LCS. Border Security Force is providing them each and every cooperation possible at all the border points. Our senior officers right from Tripura Frontier to Delhi are in touch with officers from Borders Guard Bangladesh, and BSF is providing them cooperation in through food, refreshment, stay, medical facilities and any other kind of facilitation that the students require. Around close to 50 students have crossed over from this ICP Agartala, and from various other ICPs and LCS also students are coming. Border Security Force, as its motto says, Jeevan Paryant Kartavya, is always standing at the border protecting its citizens and facilitating our students who are in trouble there. कल जो हमारी ट्रेन खुली यहाँ से कलकत्ता टर्मिनल स्टेशन से, वो बहुत देर तक रुक गई थी, और वहाँ से जो सर्विसेज है वो वहाँ से सर्विसेज शायद बंद है,
इसीलिए आज वाला जो ट्रेन खुलने वाली थी बाती वो कैंसिल हो गया। और आते हैं संडे का सर्विसेज के जो बात है, खुलना के लिए जो बंधन एक्सप्रेस चलता है संडे का, वो भी बंद हो गया, वो भी कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश का गवर्नमेंट के साथ बातचीत होते हुए हम लोग ईस्टर्न रेलवे व इंडियन रेलवे के पार्ट से हम लोग ये ट्रेन को कैंसिल कर चुके हैं। संडे को खुलना के लिए बंधन एक्सप्रेस नहीं चलेगी। और आज भी जो ट्रेन था वो बंद, मैत्री एक्सप्रेस, दैट ट्रेन हैज़ ऑल्सो बिन कैंसिल्ड। तो ये क्या दोनों ट्रेन अभी बांग्लादेश में ही है? दोनों ट्रेन बांग्लादेश में ही है। क्या अभी तक ग्रीन सिग्नल मिला है कि वो कब भारत वापस आएगी? अभी तक तो कोई सिग्नल आया नहीं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं जे कब खुलेगी, कब ट्रेन सर्विसेज नॉर्मल होगा इंडिया बांग्लादेश का, दोनों कंट्री का। तो आपस में जो अच्छा रिलेशनशिप के तौर पर जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन का कभी कोई खबर अभी तक हमारे पास नहीं है। या बांग्लादेश में कोई गंडगोल हुआ है इसीलिए अभी यात्री कम आ रहा है और मैत्री एक्सप्रेस काल से बंद हो गया है। बांग्लादेश में कारपुर जारी हो गया है इसीलिए अभी बांग्लादेश बहुत गंडगोल चल रहा है। अभी यात्री बहुत कम हो गया, इधर जनवहन सब टोटली बंद हो गया, ट्रेन बस बंद हो गया। देखिए लास्ट 4-5 दिन में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में चल रहे हैं, इनसे खासकर जो स्टूडेंट्स हैं अथवा बाकी जो नागरिक हैं पड़ोसी देश के जैसे हम इंडिया के, काफ़ी अफेक्टेड हैं। लगभग पूरा जो उनका सिस्टम है वो अंडर सीज है। इसकी वजह से कई हमारे नागरिक हमारे देश में आ रहे हैं, जिसमें त्रिपुरा में भी कई लोग आ रहे हैं। खासकर कल और आज में काफ़ी स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो हमारे इंडियंस हैं जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन की वजह से वहाँ गए हुए हैं वो आ रहे हैं। अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली है, मेनली दो जो क्रॉस पॉइंट्स हैं, अखौड़ा चेक पोस्ट और श्रीमंतपुर, इससे देश में रहने वाले बाकी सभी हिस्सों के बच्चे, खासकर जो MBBS कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए हैं। और इसमें अभी तक आज की डेट में 46 बच्चे और डिफरेंट नागरिक अखौड़ा से और लगभग 80 लोग श्रीमंतपुर से आए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और एक दो घंटे में लगभग और 100 लोग एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के कांटेक्ट में है, साथ साथ जो हाई कमीशन असिस्टेंट हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अगरतला में, उनके साथ कांटेक्ट में है। और हम सर सेंट्रल गवर्नमेंट BSF के साथ मिलकर अश्योर कर रहे हैं कि जो भी नागरिक, भारतीय नागरिक त्रिपुरा में एंटर कर रहे हैं उनको जो भी सहूलियतें हैं वो दी जाए हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए ट्रेन और एयरपोर्ट पे जो बुकिंग की व्यवस्था है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू की गई है। जो लोग पड़ोसी राज्य जैसे आसाम और मेघालय से हैं उनके लिए स्पेशल बसेस का अरेंजमेंट किया गया है। बताया वर्तमान में बांग्लादेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, बांग्लादेश में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स डिफरेंट ICP से वापस आ रहे हैं और इसी प्रोसेस में जो कल से और आज तक अभी तक लगभग 150 स्टूडेंट्स हमारे जो डिफरेंट ICPs हैं वहाँ से वापस आ गए हैं इंडिया में। और BSF के सीनियर ऑफिसर्स भी BGB के ऑफिसर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, इसका उनका जो वापसी का जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। और हम लोग BSF भी हर ICP पे हम लोग भी पूरी तैयारी है और हम लोग भी पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं इनकी वापसी के लिए और इनकी सुरक्षित।